इधर उधर क्या देख रहे हो बालक? मैं गुरुदेव हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर मैं तुमको कुछ करने के लिए कहूँगा तो तुम करोगे? जी गुरुदेव, मैं जरूर करूँगा। तो फिर ठीक है बालक, तुम मेरे साथ चलो। घबराओ मत बालक, यही मेरा आश्रम है। देखो बालक, मेरे पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों के भलाई के लिए ही करना। जी गुरुदेव, मैं अवश्य करूँगा। अब तुम शक्तिशाली बन चुके हो, जाओ और लोगों की मदद करो। लेकिन हाँ, मेरी बताई हुई बातों को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है गुरुदेव, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अब तुम शक्तिशाली बन चुके हो, जाओ और लोगों की मदद करो। थोड़ा हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देखते हैं, आखिर ये शक्तियाँ काम कैसे करती है। वाओ, शक्तियां तो मेरे पास सचमुच में आ गई है। कुछ और ट्राई करके देखते हैं। नहीं, मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी गलत तरीके से नहीं करनी है, नहीं तो मेरी सारी शक्तियां चली जाएगी, क्योंकि मुझे ये शक्तियां सिर्फ लोगों की भलाई के लिए दी गई है। यहां भी कोशिश करके देखते हैं। दारू पीने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे दारू पीने वालों की कभी हार नहीं होती। हम पैदल निकल पड़ते हैं ठेके पर जब हमारे पास कार नहीं होती। बरसात के मौसम में दारू के आलम में मैं तुझको भुला आया, दारू भी उठा आया। अब जिंदा हूँ तो दिल न दो, बर बरसात में दारू पी लेना दो। मैं पी लेने दे, दारू पी पी के हम तुझको भुला देंगे। दारू पी पी के हम तुझको बुला देंगे, और जब तेरी आद आएगी तो चार पांच बोतल और मंगा लेंगे। और जिंदा न रे। अरे वो भाई साहब, थोड़ा रुकिएगा। अरे क्या बात है भाई साहब? हम आपको जादू दिखाएगा। जादू? अच्छा ठीक है, दिखा दिखा। ठीक है तो तुम पहले अपना आंख बंद करो। ठीक है।
रणवीर यहाँ? अबे रणवीर तू कहाँ था यार, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा यार। एक काम करते हैं, इसको मामा जी का घर बता देते हैं। हाँ अबे यार मैं मामा के घर चला गया था। अच्छा मामा के यहाँ गया था। अच्छा ये सब छोड़ो यार रणवीर भाई, मुझे एक प्रॉब्लम हो गया यार। हैं? प्रॉब्लम हो गया? अबे बचपन से लेकर आज तक तुम्हें प्रॉब्लम में पढ़ने नहीं दिए हैं, और आज प्रॉब्लम कैसे हो गया, बताओ क्या हुआ? रणवीर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है यार, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है। अबे बाल गोविंद गर्लफ्रेंड? अच्छा ठीक है भाई, तू अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलाएगा? हाँ भाई क्यों नहीं मिलाएंगे, लेकिन अभी फोटो देख लो, बाद में मिला देंगे। ठीक है दिखा। अबे पैसे की टेंशन मत लेना तू। अबे बाल गोविंद ये कैसा मजाक कर रहा है तू, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी भाभी। नहीं रणवीर भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके साथ तो मैं डेट पर जा चुका हूँ। अबे बाल गोविंद तू झूठ क्यों बोल रहा है, बोल दे ये सब मजाक है। नहीं रणवीर भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देख भाई बहुत हो गया मजाक, ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है। नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। देख बाल गोविंद तू हद पार कर रहा है, तू मेरा दोस्त है इसीलिए अभी तक यहाँ खड़ा है, नहीं तो कोई और होता तो वो जिंदा नहीं बचता। देख रणवीर भाई अगर तू ऐसा बोल रहा है ना तो एक बात तू भी सुन ले, ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है और इसके लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो। क्या बोला तू? अबे साले उस लड़की के लिए अपने दोस्त से लड़ेगा? देख रणवीर तू भी अपने हद पार कर रहा है। अबे हद पार कर रहे साले, अब तो तू दोस्ती लायक भी नहीं बचा है। तो जा तेरे जैसे बहुत दोस्त मिलेंगे मुझे। हाँ तो तेरे जैसे भी मुझे बहुत दोस्त मिलेंगे, चला जा यहाँ से। आकाश इधर आ। हाँ मालिक आ रहे हैं। जाओ और न्यूज़पेपर में छपवा देना कि कोंडा स्वामी की बेटी से वही शादी कर सकता है। कोंडा स्वामी का बयान, हम अपनी बेटी की शादी कोई सस्ता लड़का से नहीं बल्कि उस शख्स से करेंगे जो वह पूरी दुनिया पर राज करता हो और लोग उसे डॉन कहे। डॉन? देखो पेपर में क्या छपा है, कोंडा स्वामी की बेटी से वही शादी कर सकता है जो इस इलाके का डॉन हो। डॉन? खैर मैं ही तो हूँ इस इलाके का सबसे बड़ा डॉन, चलो मेरे साथ। कोंडा स्वामी मैं करूंगा आपकी बेटी हाँ तो मैं ही करूंगा आपकी बेटी से शादी, क्योंकि मैं इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा डॉन हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं इस इलाके में तू ही एक डॉन नहीं है, एक और डॉन है जिसका नाम है छोटा डॉन। छोटा डॉन? मेरे रहते हुए इस इलाके में कोई दूसरा डॉन पैदा भी नहीं ले सकता। ए रहा फोटो, अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो सबसे पहले तुझे इस छोटा डॉन को जान से मारना होगा। क्या बोला तू? अबे साले उस लड़की के लिए अपने दोस्त से लड़ेगा?
देख रणवीर तू भी अपने हाथ पार कर रहा है। अबे हाथ पार कर रहा है साले, अब तो तू दोस्ती लायक भी नहीं बचा। तो फिर ठीक है, आप तैयार रहिएगा, मैं बहुत जल्द आपकी बेटी से शादी करके उसे ले जाने वाला हूँ। चलो यार, मुझे बहुत जोर से भूख लग गया, ये भूख के कारण मेरे पेट में चूहा दौड़ रहा है। एक काम कीजिए छोटा डॉन, चूहा मारने वाला दवा ला देते हैं, आप खा लीजिए, पेट का सारा चूहा मर जाएगा। तो छोटा डॉन कैसा लगा मेरा आइडिया? चुप साला, सीधा खड़ा रहो। छोटा डॉन, पता चला कि इस इलाके में एक और डॉन है जिससे पूरी दुनिया थर थर कांपती है। चुप साला, मेरे रहते हुए इस इलाके में कोई दूसरा डॉन पैदा कैसे ले लिया रे? वैसे ये दूसरा डॉन है कौन? ये यहाँ क्या करने आया है? तो तू करेगा कोंडा स्वामी की बेटी से शादी? हाँ मैं करूंगा कोंडा स्वामी की बेटी से शादी। ये करेगा कोंडा स्वामी की बेटी से शादी, मैं करूंगा उसकी बेटी से शादी, चाहे इसके लिए तुम्हें जान से ही क्यों ना मारना पड़ जाए। तुम मुझे क्या मारोगे? एक बार अमराज भी हमें मारने आया था, उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा, तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? अबे जितनी तेरी हाइट है ना, उससे ज्यादा तो बड़ी बड़ी तुम बातें कर रहे हो। तुझे तो साले एक हाथ से पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, तीनों को एक साथ पटकूंगा।
कोंडा स्वामी जी, अरे रुको नहीं है, बात कर रहे हैं। हाँ तो कोंडा स्वामी जी, जब सलाह तुमको बोलने रुको तो नहीं समझ में आ रहा है, एकदम सीधा खड़ा रहो। कोंडा स्वामी जी, हम आपकी बेटी से शादी करने के लिए आए हैं, पूरा बारात लेके। डॉन, मेरी बेटी किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। अरे बचा रहे, वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए आप लोग सपोर्ट करें गाइस। और दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल शराबी वंश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।